तो जैसा कि गाइस थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम कितनी सब्जी बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन की सब्जी। हमारे यहाँ तो इसे सहजन कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सहजन के बहुत से फ़ायदे हैं। सहजन हमारे ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है। इसमें विटामिन सी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये हमारे डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखता है। सो सहजन एक है लेकिन इसके गुण बहुत हैं, अनेकों हैं, इसलिए सहजन को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। सहजन आपको खाने में ना भी अच्छे लगे तो क्या हुआ, इसे एक बार सोच कर यही खाना चाहिए कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। सो चलिए बनाते हैं सब्जी इसकी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें लेना है बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर। पेस्ट बनाने के लिए हमें प्याज, अदरक, मिर्ची और लहसुन को काट के रख लेना है। आलूओं को अच्छे से धोकर छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। सहजन को हमें धुलकर साफ़ करके अच्छे से काट लेना है। इसे हमें बहुत छोटा छोटा नहीं काटना है क्योंकि इसे हमें खाते वक्त खाने में हमें एक्चुअली चूस कर खाया जाता है, इसलिए इसे बहुत छोटा नहीं काटा जाता, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखना है। प्याज, लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट हमने मिक्सर में पीस लिया है। सो ये तैयार है। और थोड़ी सी मुझे यहाँ पर करी लीव्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी थोड़ा सा धुल कर रख लिया। इस सब्जी को हम कुकर में बनाएंगे क्योंकि सहजन को कुकर में बनाने से जल्दी गलती है। सो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं कुकर में। तो आपने भी कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसमें तेल गर्म होने पे इसमें हमने डालना है जीरा। जीरा चटकने तक, हल्का ब्राउन होने तक इसमें हमें डालना है प्याज। प्याज डालने के बाद अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे अपना पेस्ट। तो मैंने पहले ही यहाँ बता रखा है कि सहजन हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये खाने में ना भी अच्छे लगे तो क्या हुआ, इसके फ़ायदे सोचकर इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। सो यहाँ पर अब प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हमने वो पेस्ट डाल दिया था और अब डालते हैं सूखे मसाले। हल्दी, धनिया 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है। गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। और करी लीव्स ऊपर से हम डाल देंगे। तो चलिए इसे मसाले को लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। हमें यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ चुका है। अब इसे थोड़ा सा और भूनेंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 पिंच हींग। हींग डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे। हींग के लिए तो गाइस ये देखिए मसाला भून चुका है हमारा, तेल अच्छे से छोड़ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने सहजन जो हमने काट कर रखे हुए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर अब हमें डालना है आलू। आलू को डालने के बाद इसे 2 फ्लेम पर हल्के से भून लेंगे बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट पे भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो गाइस यहाँ पर पानी पड़ गया है सब्जी में। अब यहाँ पर कुकर की लिड लगा कर लो फ्लेम पर, लो टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 सीटियाँ लगा लेंगे। तो गाइस सीटियाँ आ गई हैं, सब्जी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम कुकर को खोल लेंगे और ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। देखिए कितनी सुंदर, कितनी लाजवाब सब्जी बनी है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, हेल्थ के लिए तो मज़ेदार ही है। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा और ये मेरी सब्जी की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय।